What's up guys, मैं पिवली स्वाइंस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वाओ वाओ, कितना अच्छा लग रहा है पता है, नया व्लॉग बना रहा हूं। तो आप लोग ने मुर्गी मिस किया कि नहीं? मिस नहीं किया मेरे को, इतने टाइम के बाद में आ रहा हूं इतने व्लॉग में, इतने मिस नहीं किया मेरे को। आई एम सॉरी बाबू। क्या हुआ तो कमेंट करो, मिस किया तो। आज हम जाने वाले हैं छिंचपुखलिचा राजा चिंतामणि के आगमन के लिए। और बेसिकली मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे दो तीन फ्रेंड्स है एरिया के, बचपन के दोस्त, वो लोग मेरे को लेके जा रहे हैं क्योंकि मेरे को एक्चुअली एड्रेस पता नहीं, जो वर्कशॉप है उसका एड्रेस पता नहीं है। तो मैं उनके साथ सिर्फ जा रहा हूँ। ओके, तो मेरे साथ रहेगा अनिकेत, कैलाश और उसके फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं इस व्लॉग को लेके। मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा ये व्लॉग को, हम डायरेक्ट उधर वीडियो शूट करेंगे चालू। और अभी फिलहाल के लिए आपको हमारे नुमान से मिलाना चाहूंगा। नुमान कैसा है? अच्छा है ना? पत्थर पे पत्थर मारे तो निकलती चिंगारी, पत्थर पे पत्थर मारे तो निकलती चिंगारी। नुमान भाई को मारे तो पूरी पूरी गैंग निकलती। सुनामा चॉकलेट चारे मेंटल बोलते बिना किसी रुकावट के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। ओके चलो ठीक है। तो ये है अनिकेत, और ये है कैलाश, और क्योंकि मैं चूतिया हूँ इनके फ्रेंड्स आने वाले थे पर वो अभी तक आए नहीं। सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोअर परेल। तो चलो हम जा रहे हैं चलते चलते। जय महाराष्ट्र। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं रेशमा खातू वर्कशॉप के पास। वर्कशॉप है ना? और नाचते नाचते हुए जाएंगे चिंचपोकली। नाचेगा कि नहीं? तो भाई नाचने के लिए तो आए, भाई नाचने के लिए तो आए। यार सब जगह बैरिकेड लगा दिया है और हम लोग को जाने के लिए नहीं मिल रहा है। जो लेन से गणपति बाहर निकलने वाला है उस लेन में ही पूरा बैरिकेड लगा दिया है उन्होंने। A few minutes later. अरे बहुत बहुत मुश्किल से झोल किए हम लोग ने और रास्ता ढूंढ के निकाले और बहुत गर्दी आ गई, बहुत गर्दी है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रेशमा खातू के वर्कशॉप पे और अभी तक चिंतामणि गणपति निकला नहीं है। अभी हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे और एक गणपति का आगमन हो रहा है। पहले हम सोचे कि हम अभी इतना दूर से यहाँ इस चीज पगली सर राजा के लिए आए तो पहले यहाँ का करके अपन फिर उधर जाते। लाल हो गया है। अबे तूने बोला नहीं मेरे को मैं लालम लाल हो गया है। इतनी गर्दी में और इतना लाइक क्या बोलू। फर्स्ट टाइम इतना हो गया, मतलब बहुत प्रेशर आया पता तू तो। यहाँ से कोई धक्का दे रहा है, वहां से कोई धक्का दे रहा है। शी एक वीडियो शूट करने नहीं मिल रहा है पर एंट्रेंस का प्रॉपर शूट आया। अरे पब्लिक देखो,
पब्लिक कितनी है। अभी हम लोग ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट से अभी एंड पे आ गए और इधर इतनी गर्दी है, उधर भी है, बाप रे बहुत गर्दी है बहुत, और सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा है, इतनी गर्दी है सामने, आई कांट बिलीव। ओह माय गॉड, गर्दी देख गर्दी, अरे भीड़ देख, सिर्फ लोग, अरे लोग का सिर्फ सर दिख रहा है, यहाँ से सिर्फ मुंडी दिख रहा है सबका, इतना गर्दी है। फुल ब्रिज के नीचे से घूम फिर के डायरेक्ट हम लोग आ चुके हैं पंडल। देखो चिंतामणि जिधर बैठने वाला है हम उधर आए, और अभी हम लोग उल्टा जाएंगे और वीडियो शूट करेंगे, और इधर पूरा सेटअप लग के रेडी है फुल। हाँ वही पूरा बैंड लग के रेडी है मेरे पीछे, फुल मचाने वाले हैं। मेरी हालत भाई बहुत बेकार हालत हो गई, इतना भीड़ था, इसका तो शर्ट फट गया, वो तो दब गया बीच में, चार लोग के बीच में दब गया वो, मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया गर्दी के बीच में, मेरा चेहरा लाल हो गया। फाइनली अभी हो चुका है अपना चिंचपोकलीचा चिंतामणिचा आगमन, एंड ये ब्लॉग को मैं इधर एंड करूंगा। और जैसे कि आप लोगों को नहीं पता है कि ये भी कलाकार है, भाई भी छोटी मोटी मूर्ति बनाते थे गणपति के, और ज्यादा कुछ नहीं, अभी इन्होंने छोड़ दिया। अभी भी आता है क्या? आते हैं, अभी दूसरा जगह जॉइंट, हाँ दूसरा मिलेगा तो वो जॉइंट कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी भी लालम लालू सब पसीने से भीग गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अच्छा लगा तो शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलना है।